Hello everyone, hope you all are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. So in today's class, we'll also try to extend our topic multiplication. Or in previous class, we all had seen how can we multiply with the help of 10. In today's class, we'll try to learn how to multiply with the help of 100. So let's start our today's class. So in today's class, we'll try to learn about मल्टीप्लीकेशन बाई 100 से अगर हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो योर हेडिंग इज मल्टीप्लीकेशन बाई 100 के हेल्प से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. इसका हम लोग एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, बट बिफोर रीडिंग शॉर्टकट मेथड फर्स्ट विल ट्राई टू सॉल्व इट एज यूजुअल. पहले हम लोग इसको एज यूजुअली जैसे सॉल्व करते हैं उसकी हेल्प लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे. सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल हम लिखने जा रहे हैं, फिर उस एग्जाम्पल की हेल्प लेकर के हम लोग देखेंगे उसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा और उसका मेथड क्या है. सो योर क्वेश्चन इज, आपका जो क्वेश्चन है, हियर इज 534. नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको हम मल्टीप्लाई करना है 100 से और फिर ये बताना है कि वेन वी मल्टीप्लाई इट बाई 100 देन एट दैट टाइम वॉट वी गेट आर वैल्यू. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वैल्यू क्या मिलेगी ये हमें फाइंड करना है. सो इसको पहले हम लोग जो हमारा पुराना मेथड है उसकी हेल्प लेकर के सॉल्व करते हैं. दिस इज 534. Now, इसको मल्टीप्लाई करें 100 से. सो द ओल्ड, अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई, वी टेक वन वन डिजिट एंड मल्टीप्लाई अबव नंबर्स. सो अभी हम यहाँ पे ये जीरो लेंगे, इस जीरो की हेल्प लेकर के इस फोर को मल्टीप्लाई करेंगे. जीरो को जब फोर से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट हेयर जीरो. नाउ फिर अभी जीरो की हेल्प लेकर के इस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे. जीरो इंटू थ्री We'll get here zero. Zero को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें वैल्यू हमें जीरो ही मिलेगी. Now, अभी जीरो की हेल्प लेकर के फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे then we get here zero. ठीक है. So, इस तरीके से हम लोगों ने जब ये मल्टीप्लाई किया अपने जीरो को तो हमें ये वैल्यू मिल गई है. ठीक है. सो अब नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट डिजिट. हम लोग जब नेक्स्ट डिजिट लेते हैं सो नेक्स्ट डिजिट इज ऑल्सो जीरो. यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट भी हमारा जीरो ही है तो अब इसको सॉल्व करेंगे. बट ये डिजिट हमारा जीरो ये टेंस के प्लेस पे है तो हम लोग यहाँ टेंस से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हम क्रॉस यूज कर देंगे. नाउ अब इस जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से. सो वेन वी मल्टीप्लाई दिस जीरो बाई फोर वी गेट हेयर जीरो. नाउ वील मल्टीप्लाई दिस जीरो बाई थ्री सो वी गेट हेयर जीरो. जीरो का हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें हमें जीरो ही मिलेगा. अब फिर इस जीरो की हेल्प लेकर के इस फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स हमें जीरो का टेबल फाइव टाइम्स रीड करना है तो जीरो ही मिलेगा. ठीक है. ओके. नाउ विल टेक आर नेक्स्ट डिजिट. हम लोगों ने जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया है. अब हमारे पास ये वन है. अब इस वन की हेल्प लेकर के हम लोग को ये मल्टीप्लाई करना है. सो वेन वी मल्टीप्लाई दिस से जब हम लोग ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इस वन की हेल्प लेकर के हमें फोर को मल्टीप्लाई करना है. सो ये वन हमारा रिटर्न है 100 के प्लेस पे. इट मीन्स दैट हमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिजिट्स लिखना शुरू करेंगे और वंस और टेंस इन दोनों प्लेस पे यहाँ क्रॉस यूज कर दिया है. सो वन को वन का टेबल हमें रीड करना है फोर टाइम्स. सो वन फोर जा फोर. फिर उसके बाद अब इस वन का टेबल रीड करना है थ्री टाइम्स. वन थ्री जा थ्री. ना फिर वन का टेबल रीड करना है फाइव टाइम्स. वन फाइव सा फाइव. ठीक है. अब ये हमारा ऐसे मल्टीप्लाई हो गए हैं. अब यहाँ पे कोई डिजिट्स बचे नहीं हमारे पास. सो देन आफ्टर दैट विल ऐड ऑल दीज नंबर्स. इन सभी नंबर्स को हम लोग अब इसके बाद ऐड करेंगे और फिर देखेंगे क्या वैल्यू आती है. सो वेन वी ऐड दीज नंबर्स देखिए हमें क्या मिलेगा. ये जीरो यहाँ पे है क्रॉस मीन्स वहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ जीरो जीरो जीरो. सो वी गेट हेयर जीरो. नाउ जीरो जीरो फोर. So when we add this, we get here 4. Now 0 plus 3, 3. Now here is 5, here is 5. So our answer is 53,400. 53,400 ये हमारा आंसर हो गया है. तो इस तरीके से हम लोग ये अपना फाइंड करते हैं कैसे हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. तो आप
इसको एक शॉर्टकट मेथड क्या है, जब भी ऐसे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो शॉर्टकट मेथड क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सो लेट अस सी आर आंसर। देखिए हम लोग का आंसर क्या है, 53,400। सो आप देखिए 534, दिस इज आर, ये हमारा यहाँ पे एक ये वैल्यू है, ठीक है। और किस नंबर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना था, इट वॉज 534 ही है। इसी नंबर के हेल्प लेकर के हम लोग को 100 से ये मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो इट मीन्स दैट मीनिंग क्या हुई कि आप देखिए 100 में देर आर टू जीरोज, 100 में यहाँ पे टू जीरोज हैं। तो जो भी हमें नंबर मल्टीप्लाई करना था हमने क्या किया, उस नंबर के लास्ट में यहाँ पे देखे तो ये टू जीरो लग गए हैं ऐसे, ठीक है। ये जो टू जीरो लगे हैं ये टू जीरो कौन से हैं, ये टू जीरो हमारे ये 100 वाले ही जीरो हैं, है ना। ये जीरो हमारे ये जो 100 में देखे 20 हैं। तो क्या किया, जिस नंबर हमें मल्टीप्लाई करना था उस नंबर के लास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ 20 ऐसे यूज कर दिया है, ठीक है। तो बस यही शॉर्टकट मेथड हमारा है। शॉर्टकट मेथड का जहाँ जो हम यूज करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि 534, ये डिजिट हमारा सेम रहेगा 534। नाउ इन 100 देयर आर 20, सो विल अप्लाई हियर 20, 1 2। तो अब जब हमने ये अप्लाई कर दिया 20, तो देखो हमारे पास क्या डिजिट ऑप्टेन, क्या नंबर ऑप्टेन हुआ है, वी गेट हियर 53,400, दिस इज आर आंसर। ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग अपना ये शॉर्टकट मेथड अपना यूज कर सकते हैं, इजी है, आसानी से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लें तो फिर देखिए उस क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्टकट तरीके, शॉर्टकट मेथड की हेल्प लेकर के, ठीक है। सो सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक केयर क्वेश्चन नंबर, योर यू हैव टू मल्टीप्लाई 78, आपको मल्टीप्लाई करना है 78 को बाई 100। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा 78 बाई 100, तो शॉर्टकट मेथड इसका हम लोग क्या है, विल राइट हेयर 78, इन 100 वी हैव 20, सो विल राइट हेयर 20, दैट मीन्स 7,800 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का, ठीक है। सो इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली इफ आई एम गोइंग टू राइट हेयर 99, इफ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 99, ठीक है। फिर उसके बाद 20 यहाँ 100 में है तो 1 2 20 यहाँ पे हम लोग यूज कर देंगे, दैट मीन्स 9,900, दिस इज आर आंसर, यही हमारा आंसर है। शॉर्टकट मेथड हम लोग ऐसे यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही शॉर्टकट मेथड हम लोगों ने यूज किया था जब 10 से मल्टीप्लाई किया था, 10 के केस में वहां पे 10 होता था तो लास्ट में हम सिर्फ 10 अप्लाई कर रहे थे। सो लेट अस सॉल्व आवर एक्सरसाइज 4.6, अपनी एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चंस गिवन है, हमारे क्वेश्चन देखिए इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन वाले ही हैं। सो व्हेन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, हियर 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, सो वी राइट हियर 6 एंड यूज हियर 20 इन 100, देखिए देयर आर 20 हैं, तो हमने यहां पर 20 ऐड कर दिया, इट मींस दैट दिस इज 600। नाउ हियर इज 7, अब 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ से 7 लिखेंगे एंड वी यूज हियर 20 700। सो दिस इज आवर आंसर, इस तरीके से हम लोग अपना ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए सपोज आई एम गोइंग टू टेक हियर पार्ट ई, 36 इज मल्टीप्लाइड बाय 100, सो विल राइट हियर 36, नाउ यूज हियर 20, इट मींस दैट 3600, दिस इज आवर आंसर। व्हेन वी मल्टीप्लाई 36 बाय 100 वी गेट 3600। इन दिस वे यू कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 अपना इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने अभी सीखा है उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स मीन्स के उसका उल्टा प्रोसेस, ठीक है ना। सो लेट्स टेक, नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, सो हियर 13 इज मल्टीप्लाइड बाई 100, सो हम लोग को 13 को 100 से मल्टीप्लाई करना, सो विल राइट हियर 13 एंड इन 100 देयर आर 20, सो विल राइट हियर 20, ठीक है। 20 हम लोग यहां से लिखेंगे, दैट मींस 1300, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अब ये 20 क्या शो करता है, 20 ये शो करता है कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं।
सो नाउ इफ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी, अगर हमें सी सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर टू पार्ट सी, तो देखिए हियर इज 26, नाउ हियर इज, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ब्लैंक का स्पेस है, तो देखिए तो यहाँ पे ये 26 है और यहाँ पे भी ये 26 है। अब 26 के बाद देखिए कितने जीरो हैं, 1, 2 जीरो हैं। इट मीन्स दैट अगर हम यहाँ से 26 को ऐसे रिमूव कर दें और ऐसे 26 प्लस यहाँ 1 लिख देंगे, तो देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 100, दैट मीन्स 100। सो विल राइट हियर 100, ठीक है ना। इट मीन दैट इस फिलिंग द ब्लैंक्स के प्लेस पे हम लोग का जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज 100, ठीक है। जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को हम लोग ऐसे क्रॉस करके देख लेंगे और वहां 1 लिख दें, तो बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगे दैट वैल्यूज आर हमारी ये ब्लैंक वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ सी सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ई, अब इसमें देखिए इट इज 45, नाउ देन ब्लैंक एंड देन 4500। सो इट मीन्स दैट अगर हम 45 यहाँ से देखिए, देखिए 45 ये है, तो इस 45 हम यहाँ से रिमूव कर दें, देखिए 00 बच रहे हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पे 1 लिख दें तो 100, दैट मीन्स 100 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 100, दैट मीन्स ब्लैंक के प्लेस पे 100 फिल करना है, ठीक है। और लास्ट में 00 लगा है, तो इट मीन्स दैट कि 100 से ही ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा नंबर। तो बस ऐसे हम लोग अपने ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, इजी है सॉल्व करना, आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, लेट्स टेक योर पार्ट डी। पार्ट डी, इन पार्ट डी हियर फर्स्ट पोर्शन इज ब्लैंक, नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाई 100, वी गेट 3900। सो इन 100 देखिए, ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 में कितने जीरो हैं, 20 हैं। तो अब देखिए 1, 2, अब ये 20 अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा, 39। इट मीन्स दैट वी हैव टू राइट हियर 39 हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी हमारा ये नंबर है 100 में जितने भी जीरो थे, उस जीरो को हमने यहाँ से 1 से 10 प्लेस से रिमूव कर दिया, तो बाकी जो रिमेनिंग बच पूछा है दैट इज आर रिक्वायर्ड डिजिट। इस तरीके से हम लोग अपना ये सॉल्व करेंगे, तो ईजी है, आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी अगर हम ये क्वेश्चन नंबर एल लें, एल भी ऐसे ही सेम है, तो देखिए फर्स्ट ब्लैंक है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया गया है 100 से, देन वी गेट आर वैल्यू 3400। सो इन 100 देर आर 20, देखिए 1, 2 0 है यहाँ पे, तो इन 20 को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, सो वी गेट हियर 34, दैट मीन्स 34 बच रहा है, और वही 34 हमारा ईयरली वैल्यू है 34। सो इट मीन्स 34 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 3400, दैट मीन्स 3400, दिस इज आर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर टू भी सॉल्व कर सकते हैं, सो ईजी है सॉल्व करना, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर अब 3 सॉल्व करते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव सी दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, आई शोन इन द एग्जांपल, हम लोग को मल्टीप्लाई करना है जैसे एग्जांपल में ये दिखाया गया। सो हियर 6 × 400, इसको देखिए क्या किया गया है, 6 और 4 को ये आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है, 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये जो 400 था हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा है कि 400 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 100 लिख सकते हैं, तो देखिए 100 ये अलग हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 और 4 अब ये जो ऐसे सी के फॉर्म में यूज हुए हैं, इसको कहते हैं ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सो 6 × 4 मीन्स ये हमको पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 4 = 24, ठीक है ना। और 100 हमारा इंटू में ऐसे लिखा था, इंटू में ही 100 हमने ऐसे राइट डाउन कर दिया है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही शॉर्टकट मेथड कि 24 फिर लास्ट में 20 ऐड कर देना, ऐसे हम लोग को नीचे वाले क्वेश्चन ये सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, इन दिस क्वेश्चन देखिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 × 500। सो व्हाट वी, सबसे पहले तो हम ये करें कि जो 500 है, 500 को हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 5 × 100, ये राइट कर सकते हैं क्योंकि अभी मुझे सीखा है 500 को हम लोग 5 × 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इससे पहले मल्टीप्लीकेशन में 7 है, सो दिस मल्टीप्लाइड बाई 7। सो अब देखिए 7 × 5 हमें पहले ये मल्टीप्लाई करना है, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर इन वन ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दिया है, तो 7 × 5। अब यहाँ पर हमें 7 का टेबल 5 टाइम्स रीड करेंगे, सो 7 5 जा
सेवन फाइव थर्टी फाइव, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, ठीक। तो 35 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, 35 में 35 ये डिजिट्स होते हैं। अब 20 ऐड कर देना है बिकॉज हियर इज 100, सो ऐड कर दिया है 20, इट मींस दैट 3500 इज आवर आंसर। इस तरीके से हम लोग अपना ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। इजी है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए सिमिलरली अगर पार्ट सी हम लोग सॉल्व करें, पार्ट सी या फिर चलिए पार्ट ई सॉल्व करते हैं, ये वाला पार्ट ई 10 × 900। सो अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। अब ये इंटू 900, 900 मीन्स हम लोग को क्या करना है, हम लोग को 9 × 100 ये ले सकते हैं 900 को। अब उसके बाद 10 और 9 को एक साथ मल्टीप्लाई करें, लेट अस मल्टीप्लाई 10 इंटू 9, सो इट मीन्स दैट वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 10 अप टू 9 9 टाइम्स, सो 10 9s आर 90। नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100, देखिए 100 ही था मल्टीप्लीकेशन। अब हमें क्या करना है, इस 90 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो हम लोग क्या करें सिंपल शॉर्टकट मेथड, 90 हमारा ऐसे लिखा रहेगा। अब फिर उसके बाद 20 ऐड करना है, तो 1 2 20 ऐड कर, तो हमारा क्या बन गया, ये 1 10 100 1000 9000, दिस इज आर आंसर 9000 ही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इजी है सॉल्व करना, बस जैसा हम लोगों ने अभी सीखा है बिल्कुल वैसे ही अभी भी हम लोग को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब इसमें नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट आई शो इन द एग्जांपल, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है जैसा कि एग्जांपल में दिखाया गया। तो देखिए एग्जांपल में कैसे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए 400 है, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 6, तो क्या किया गया 400 को लिख दिया गया 100 × 4, जैसे हम लोगों ने सीखा था 400 को हम लोग 4 × 100 लिख सकते हैं। तो इट मीन्स दैट सिक्वेंस यहाँ पे चेंज कर देगा, 100 को पहले लिख दिया गया, फिर जो डिजिट आई थी हमारी 4, फिर उसके बाद वो और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 6, देन आफ्टर दैट देन मल्टीप्लाइड आर 4 × 6, वी गेट हियर 4 × 6 = 24, और 100 को वैसे ही लिखा रहने दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में 24 में 00 ऐड कर दिया, दैट मीन्स 2400, इट इज आर आंसर। सिमिलरली हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ये सॉल्व करना है, तो देखिए अभी 900 है, 900 को अगर हमें लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 × 9, ठीक है। 900 मीन्स कि 9 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इंटू 3, अब 9 × 3 है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स फर्स्ट, दैट मीन्स वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 9 अप टू 3 टाइम्स, सो 9 × 9 = 18, 9 × 27, सो यहाँ पर हमारा 9 × 27 आ गया है। तो इसके आगे देखिए मल्टीप्लीकेशन में 100 है, सो वी हैव मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नाउ अब हमें 27 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी राइट हियर 27, अब 100 में देखिए 00 है, तो हम क्या करें 27 के इधर लास्ट में 00 ऐड करें, दैट मीन्स 2700, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो हमारा ये सीक्वेंस है 100 का, 100 का अगर सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है तो हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस इज 2700, इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी, इन क्वेश्चन नंबर सी वी हैव हियर 800/2, अब 800 को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या लिखें, फर्स्ट हम लोग 100 लिखना है, तो देखिए 100 × 8, 800 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 × 8, नाउ दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट मीन्स दैट हमें पहले 8 और 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो इट वी हैव टू रीड द टेबल ऑफ 8 अप टू 2 टाइम्स, सो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, नाउ ये 100 मल्टीप्लीकेशन में है, सो 100 को हमने लिख दिया है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। अब इसके बाद मल्टीप्लीकेशन में ये हो गया है, तो इट मीन्स दैट अब 16 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल राइट हियर 16, अब 16 किधर लास्ट में यहाँ पे 20 ऐड कर रहे हैं, बिकॉज इन 100 देयर आर 2 जीरोस, 100 में यहाँ पे 2 जीरोस हैं, ठीक है।
इस तरीके से हम लोग अपने ये क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इजी है सॉल्व करना, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.6 ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। So I hope that you all have enjoyed this class. Now if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to you all, to all of you, and have a nice day. Thank you.